अक्षिता ये करेगी। तो दोस्तों अंडमान के हमारे सफर में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ प्लान जर्नीज के यूट्यूब चैनल पर। हैवलॉक आइलैंड का आज हमारा दूसरा दिन है और आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं द मोस्ट फेमस बीच ऑफ हैवलॉक आइलैंड, जिसको हम एलिफेंट बीच के नाम से भी जानते हैं। और ये फेमस है अपने एक्सीलेंट वाटर स्पोर्ट्स के लिए, जो आप देखेंगे हमारे साथ साथ। तो शुरू करते हैं अपना सफर एलिफेंट बीच का। लेकिन ऐसा लगता है कि फास्ट फॉरवर्ड में हम कुछ ज़्यादा ही आगे निकल चुके हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वापस लेकर चलते हैं अपने होटल में और वहाँ से शुरू करते हैं अपने एलिफेंट बीच की ये आइटनरी। दिन की शुरुआत हैवलॉक आइलैंड बीच रिजॉर्ट, और यहाँ से हम सीधे हैवलॉक पोर्ट पे जाकर अपनी स्पीड बोट को बोर्ड करेंगे, जो हमें लेकर जाएगी एलिफेंट बीच। हैवलॉक पोर्ट पे हमारे टूर गाइड ने हमें टिकट्स हैंड ओवर करे एलिफेंट बीच जाने के लिए, और हमारा जो बोट है उसके साथ हमें आइडेंटिफाई करवाया, और अब हम बैठ चुके हैं अपनी बोट पे एलिफेंट बीच पर जाने के लिए। लगभग 20 से 30 मिनट की बोट राइड के बाद हमें नजर आने लगा एलिफेंट बीच, और साथ में नजर आने लगे एलिफेंट बीच के एक्सीलेंट वाटर स्पोर्ट्स, जिसके बारे में पहले से ही हमने काफी तारीफें सुनी हुई थी। देखो उसी उसी फैमिली सोफा में दो लोग भी हैं, ये गिर जाएंगे दोनों। अरे वो बच्चे बनाना से गिरी था। हाँ तो गिर ही आते हैं, गिर सकते हो अगर आप स्पीड से हो गए तो। शीता ये करेगी, हमारे पास ऐसे आठ राइड है ना, कुछ भी हाथ अंदर कर लो। पानी कितना क्लियर है नीचे ना, इशू एलिफेंट बीच पर आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको पेड लॉकर्स भी मिल जाएंगे, जिसमें आप अपने मोबाइल फोन्स, कपड़े और दूसरी ज़रूरत के सामान को भी सावधानी से रख सकते हैं। सो प्रीपेड लॉकर्स में अपना ज़रूरी सामान रखने के बाद अभी टाइम हो गया है अपने वाटर स्पोर्ट्स के पैकेज को एंजॉय करने का। मैंने और इश्ता ने अपने स्नॉकलिंग गियर्स पहन लिए हैं और अब हम रेडी हैं अपने एक्सपीरियंस डाइवर्स के साथ स्नॉकलिंग के लिए हैवलॉक आइलैंड के इस बेहतरीन बीच पर, जहां के बारे में कहा जाता है कि पूरे अंडमान्स में यहां की अंडर सी लाइफ सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है, और आप बहुत इजीली आप फिश और बाकी एक्वेटिक लाइफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये है वो बेहतरीन नज़ारा हमारे स्नॉकलिंग के दौरान, जिसको देखने के लिए शायद हम एक नहीं कई बार आना चाहेंगे
हैवलॉक आइलैंड के इस पैराडाइज पर। यहाँ के स्नॉर्कलिंग एक्सपीरियंस में ऐसा लग रहा है जैसे हम समुद्र में नहीं बल्कि एक एक्वेरियम में फिशेस के साथ तैर रहे हैं और उनके साथ रेस लगा रहे हैं कि हम आगे जाएंगे या वो आगे निकलेंगे। मैं और इश्ता आ गए हैं स्नॉर्कलिंग करके और इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। अब ये दोनों जाने वाले हैं। इशो हैवलॉक से ही मेक हैवन है अगर आप अंडर सी लाइफ देखना चाहते हैं तो। अच्छा लगा? अगर आप यहाँ के पानी की क्वालिटी देखें बीच के तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, देख सकते हैं आप। काफी अंदर तक आप ऐसे ही देख सकते हैं। और थोड़ा से डिस्टेंस लेने के बाद आपको कोरल्स भी दिखने लगते हैं, कोरल्स एंड अंडर सी लाइफ जिसके लिए हैवलॉक फेमस है। यहाँ स्कूबा डाइविंग की जरूरत ही नहीं है, स्नॉर्कलिंग से ही आपको अंडर सी लाइफ दिख जाती है और जिसके लिए बहुत दूर जाना भी नहीं पड़ता। सेकंड बेल्ट अगर आप देखें आगे की तरफ जो है वाटर स्पोर्ट्स का, उसके लिए हम अभी जाने वाले हैं। वाटर स्पोर्ट्स चालू है। शिता इधर इधर इधर। हाँ ठीक है, गर्म होगा कोई बात नहीं, लेकिन अभी चलो जहाँ चल रहे हैं। देखो इधर इधर चलो, देख के चलो। नहीं सर जा रहे हैं जो जो जाके। अच्छा अच्छा इधर, और अब टाइम है पैरा सेलिंग का। हैवलॉक में हमारी ये एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी बची थी जो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। एलिफेंट बीच पर पैरासेलिंग और बाकी सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस टूर ऑपरेटर्स के द्वारा ही हैंडल किए जाते हैं। ये टूर ऑपरेटर्स गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं और ये हर इस बात का प्रिकॉशन रखते हैं जो उनको रखना चाहिए, लेकिन एज ए ट्रैवलर आपकी चॉइस है कि कौन सा आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स पिक करना है और कौन सा रिजेक्ट करना है, क्योंकि ऑप्शंस यहाँ कई सारे हैं और उसी में से आप अपनी मर्जी का एडवेंचर स्पोर्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। जिनका वेट कम है स्पेशली छोटे बच्चे, उनको फ्लाई कराया जाता है एक्सपीरियंस टूर ऑपरेटर्स के साथ जिन्होंने कई बार पैरासेलिंग की हुई अपनी लाइफ में, सो दैट वो एक प्रॉपर वेट भी मेंटेन कर पाए और अगर बाई चांस एयर के प्रेशर भी अगर इधर उधर होता है तो उसको वो प्रॉपरली मेंटेन कर पाए। और हम सब लोगों ने अपनी पैरासेलिंग को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया और अब समय हो गया है कि हम वापस आइलैंड के ऊपर चलें और बाकी सारी एक्टिविटीज़ को देखें। बीच पे हम अपनी राइड्स कर चुके हैं, हमने पैरासेलिंग। अरे यार पानी में स्विमिंग करने का समय समाप्त हो चुका है, सभी गेस्ट पानी से बाहर आ जाएं।
गेस्ट कृपया ध्यान दें, स्विमिंग करने का जो टाइमिंग था समाप्त हो चुका है। सभी गेस्ट से गुजारिश है कि पानी से बाहर आ जाए। मैं बोल रही थी अभी हम पूरे राइड्स कर चुके हैं, पैराग्लाइडिंग करी थी मैंने, और तेरे को आपको पता है साइड मतलब जब हम लैंड हो रहे थे ना, मैं पीछे गार्ड के साथ हूँ, मैं लैंड हो रही एकदम से थूक के तू मतलब नीचे आकर साइड हो गया लैंडिंग पे, मतलब लैंडिंग पे वो भी बंद हो जाता है, एलिफेंट बीच विजिट करने वाले टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जब भी आप एलिफेंट बीच आएँ अपने साथ थोड़ा बहुत कैश ज़रूर रख के आएँ, क्योंकि यहाँ पर UPI के सिग्नल्स बिल्कुल नहीं आते, कोई क्रेडिट कार्ड यहाँ काम नहीं करता, और अगर आपको एडिशनल वाटर स्पोर्ट्स बाय करने हैं या यहाँ कुछ स्नैकिंग करनी है तो आपके पास कोई अदर मीडियम नहीं है अगर आपके पास कैश नहीं है तो प्लीज़ ध्यान रखें और कैश थोड़ा बहुत कैरी ज़रूर करें जब आप एलिफेंट बीच विज़िट करें। और इस इन्फॉर्मेशन के साथ एक बार फिर से टाइम हो गया है आपको गुड बाय कहने का। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको लेकर जाने वाले हैं नील आइलैंड, तो बने रहिए प्लान जर्नीज़ के यूट्यूब चैनल के साथ, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रैवल वीडियो में। गुड बाय।